ट्रक बाइक की सीधी टक्कर में दो मरे एक गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं धमाका न्यूज 24। गुमला सड़क हादसे में दो की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में बीती रात ट्रक और मोटरसाइकिल में सीधे भिड़क में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर रहने के कारण गुमला सदर अस्पताल में रेफर करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें दो की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जिले के पुराने पेट्रोल पंप के सामने हुई है। मरने वाले में बाइक सवार नवडीहा के लेसा टोली निवासी रविंदर उर्वा और दूसरे रविंदर के दोस्त शामिल है, जबकि तीसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पहले सीएमसी घाघरा पहुंचाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे गुमला से रांची रिम्स में रेफर करवा दिया गया है। वहीं इस घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई है। चालक सुधीर घटना के बाद से फरार हो गया है। मौके पर समाज सेवी अशोक उर्वा, नीरज जसवाल, ललन साहू, गुड्डू साहू आदि ने वोटों से घायलों को सीएमसी घाघरा पहुंचाया। इस बीच घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लाचार अवस्था के कारण समाज सेवियों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता अशोक उर्वा ने स्वास्थ्य पर नाराजगी जताते हुए सुधार नहीं होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तालाबंदी की चेतावनी दी। घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस में तेल नहीं रहने के कारण लोगों ने हंगामा किया। स्थानीय व्यक्ति ने तेल भरवाने के लिए राशि दी, तब जाकर एम्बुलेंस में तेल भरवाया और गुमला पहुंचाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।